नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी है और पिछले कुछ दिनों से बिहार के प्रत्येक जिलों से नए कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 10,052 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें आज बुधवार को 1,320 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 20,173 हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 514 कोविड-19 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस तरह बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 13,533 है, जबकि पूरे प्रदेश में 6,422 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। सभी जिलों की एक्टिव मरीजों की संख्या भी आपको बता देते हैं। अररिया कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 213, डिस्चार्ज हुए 145, एक्टिव केस 66। अरवल टोटल केस 202, डिस्चार्ज हुए 129, एक्टिव केस 72। औरंगाबाद टोटल केस 348, डिस्चार्ज हुए 325, एक्टिव केस 21। बांका टोटल केस 320, डिस्चार्ज हुए 263, एक्टिव केस 57। बेगूसराय टोटल केस 1002, डिस्चार्ज हुए 519, एक्टिव केस 476। भागलपुर टोटल केस 1259, डिस्चार्ज हुए 691, तो एक्टिव केस 555। भोजपुर टोटल केस 432, डिस्चार्ज हुए 338, एक्टिव केस 90। बक्सर टोटल केस 352, डिस्चार्ज हुए 243, एक्टिव केस 109। दरभंगा टोटल केस 429, एक्टिव केस 50, डिस्चार्ज हुए 369। गया टोटल केस 565, डिस्चार्ज हुए 308, एक्टिव केस 248। गोपालगंज टोटल केस 516, डिस्चार्ज हुए 395, एक्टिव केस 120। जमुई टोटल केस 236, डिस्चार्ज हुए 111, एक्टिव केस 124। जहानाबाद टोटल केस 366, डिस्चार्ज हुए 290, एक्टिव केस 73। कैमूर टोटल केस 275, डिस्चार्ज हुए 233, एक्टिव केस 39। कटिहार टोटल केस 533, डिस्चार्ज हुए 448, एक्टिव केस 84। खगड़िया टोटल केस 554, डिस्चार्ज हुए 345 और एक्टिव केस है यहां पर 205। किशनगंज पॉजिटिव केसेस टोटल 259, डिस्चार्ज हुए 213, एक्टिव केस 44। लखीसराय पॉजिटिव टोटल केस 265, डिस्चार्ज हुए 156। लखीसराय ऐसा जिला है जहां किसी की जान कोरोना की वजह से नहीं गई है। अब यहां पर एक्टिव केस 109 है। मधेपुरा टोटल केस 286, एक्टिव केस 49, डिस्चार्ज हुए 236। मधुबनी 668 टोटल केस, डिस्चार्ज हुए 549, एक्टिव केस 117। मुंगेर टोटल केस 726, डिस्चार्ज हुए 417, एक्टिव केस 304। मुजफ्फरपुर टोटल केस 900, डिस्चार्ज हुए 589, एक्टिव केस 305। नालंदा टोटल केस 696, डिस्चार्ज हुए 439, एक्टिव केस 250। नवादा टोटल केस 711, डिस्चार्ज हुए 419, एक्टिव केस 288। पश्चिमी चंपारण टोटल केस 578, एक्टिव केस 244, डिस्चार्ज हुए 329। पटना यहां पर संख्या 2500 को पार कर गई है। पटना में टोटल केस है 2501, डिस्चार्ज हुए हैं 1355, अभी भी 1123 एक्टिव केस यहाँ मौजूद हैं। पूर्वी चंपारण टोटल केस 491, डिस्चार्ज हुए 399, एक्टिव केस 86। पूर्णिया टोटल केस 408, डिस्चार्ज हुए 365, एक्टिव केस 42। रोहतास टोटल केस 559, डिस्चार्ज हुए 416, अभी वहां पर एक्टिव केस की संख्या 137। सहरसा टोटल केस 335, डिस्चार्ज हुए 284, एक्टिव केस 50। समस्तीपुर टोटल केस 538, डिस्चार्ज हुए 395, एक्टिव केस 136। सारण टोटल केस 426, डिस्चार्ज हुए 312, एक्टिव केस 108। शेखपुरा टोटल केस 228, डिस्चार्ज हुए 165। लखीसराय के बाद शेखपुरा भी वो जिला है जहां किसी की कोरोना से जान नहीं गई है, अब यहां पर एक्टिव केस है 63। शिवहर टोटल केस 128, डिस्चार्ज हुए 106, 21 एक्टिव केस यहाँ मौजूद है। सीतामढ़ी टोटल केस 196, डिस्चार्ज हुए 46, 47 एक्टिव केस की संख्या। सिवान टोटल केस 856, डिस्चार्ज हुए 512, 338 एक्टिव केसेस। सुपौल
टोटल केस 398, डिस्चार्ज हुए 324। सुपौल में भी किसी की जान कोरोना से नहीं गई है, अच्छी खबर है। एक्टिव केस की संख्या यहाँ 74 है। वैशाली टोटल केस 418, डिस्चार्ज हुए 255 और एक्टिव केसेस की संख्या यहाँ पर 158। बिहार में सरकार लगातार यह दावा कर रही थी कि बिहार का रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन अब कहानी बदल सी गई है। 13 जुलाई को जहां रिकवरी रेट लगभग 71% थी, वहीं 14 जुलाई को यह गिरकर 69% पर आ गई। जबकि 15 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार इसमें और गिरावट आई है, अब रिकवरी रेट 67% पर आ गई है। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत जो कि लगभग 63% है उससे जरूर ठीक है, लेकिन अगर टॉप के 3 राज्यों की बात करें तो बिहार उनके आसपास भी नहीं है। सबसे बेहतर रिकवरी रेट लद्दाख का है, जहां लगभग 86% कोविड 19 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 80% मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जहां 79% मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। बिहार में टेस्टिंग पिछले 2 दिनों से 10,000 से ज़्यादा हो रही है, लेकिन बिहार की बड़ी आबादी को देखते हुए इसे और ज़्यादा जल्द से जल्द बढ़ाने की ज़रूरत है। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।